हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो स्वागत है आपका मेरे अगले वीडियो में। तो आज हम चलने वाले हैं गदरपुर पटाखा फैक्ट्री, जो कि गदरपुर के साइड में है। और दिवाली आने वाली है, तो आपको हम दिखाते हैं इस बार गदरपुर पटाखा फैक्ट्री में किस तरह का मार्केट जो है लगा हुआ है। तो स्टार्टिंग करते हैं यहाँ रोडवेज, जो कि रुद्रपुर रोडवेज है, यहाँ से निकलते हैं हम। और आपको पूरा रास्ता जो है वो बताएंगे कि किस तरह से कहाँ से निकलना होगा। अगर आप अभी तक कभी नहीं गए हैं तो हमारी वीडियो के माध्यम से आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो रुद्रपुर से काशीपुर बाईपास से आपको निकलना होगा, और वहाँ पे जो है होल सेल मार्केट है। आपको सारा प्रोडक्ट जो है होल सेल के रेट में मिलेगा। आप चाहे पर्सनल यूज के लिए या अपनी शॉप के लिए खरीदें, सारा माल आपको वहाँ पर होल सेल रेट से मिलेगा। और कितना भी माल वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे पूरी फैक्ट्री है, तो कितना भी वहाँ से माल खरीद सकते हैं। तो ये बाईपास से हम निकले हैं और सीधा निकलेंगे काशीपुर रोड पे। काशीपुर रोड पे जैसे ही हम निकलेंगे आगे जाके, तो दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पे गदरपुर। और गदरपुर आके आप जैसे ही एक चौराहे पर आते हैं, तो सामने आपको रोड दिखेगा सीधा, जो कि सीधा दिनेशपुर की ओर जाता है। तो हम उसी रोड के लिए निकलेंगे, और गदरपुर से दिनेशपुर के लिए हम निकलेंगे। तो सीधा गदरपुर से दिनेशपुर के लिए रास्ता क्या है, उसी रास्ते पे हम चलेंगे। और जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा इस तरह के कुछ खेत खलिहान, और बीच बीच में आपको यहाँ पे छोटी छोटी पटाखा फैक्ट्री दिखेंगी। तो हमको वहाँ नहीं रुका है, हमको इसी रोड पर सीधा निकल जाना है आगे। और इस टाइम तो लोग जाते रहते हैं, अगर आपको नहीं पता रास्ता तो आप लोगों के साथ हो लिए। और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इस तरह का हमको एक पुल दिखेगा, और एक ओवर ब्रिज जो कि यहाँ पर बन रहा है, उसके नीचे से हम निकल जाएंगे। तो फैक्ट्री का नाम है छाबड़ा फायर। और आप भी अगर जाना चाहते हैं तो लगभग 7 बजे तक वहाँ पहुँच जाएं। तो दोस्तों अंदर ये देखिए, इस तरह की जो मार्केट होती है, ऐसे यहाँ पे जो है पटाखे जो है अपने हिसाब से उठाओ और ले जाओ अंदर। हालांकि यहाँ पे फोटोग्राफी बंद कर रखी है, फिर भी चोरी से वीडियो हम लोग बना लेते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए हमको दिखाना पड़ता है। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे जो है मार्केट लगी हुई है अंदर। जैसे ही हम यहाँ पे गेट पे एंट्री करते हैं, तो हमको एक पॉली बैग दिया जाता है, ताकि हम जो भी अपना आतिशबाजी खरीदें अपनी पॉली बैग में रख सकें, क्योंकि बाहर के यहाँ पे जो है कोई भी अलाउ नहीं किया जाता है। तो पॉली बैग जो आपको दिया जाएगा, उसी पॉली बैग में रख सकते हैं सामान सारा। तो दोस्तों लगभग 1 घंटे की शॉपिंग के बाद हमारा जो है यहाँ पे शॉपिंग पूरी हो चुकी है। तो अब हम तैयारी करते हैं बिलिंग के लिए, क्योंकि बिलिंग का टाइम हो चुका है और काफ़ी टाइम हो चुका है। तो आपने मार्केट तो देख ही ली है, और सामने आप देख रहे हैं जो एक लाइन लग रही है छोटी सी, तो वो बिलिंग की लाइन है। और हमारा यहाँ पे जो है अब बिलिंग की साइड आ चुके हैं लाइन में लगने के लिए। और सामने आप देख रहे हैं गेट, उस गेट से जो है एक एक बिलिंग करके यहाँ पे बाहर निकालते रहते हैं। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में कुछ जरूर बताएं। अगर आप आना चाहते हैं तो